हेलो माय लवली व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल बुक एंड कुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और चटपटे से सीख रोल बनाने की रेसिपी। इसकी हम क्विक सी चटनी भी बनाएंगे, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सीख रोल को बनाने के लिए पहले हम पराठे तैयार करेंगे, जिसके लिए मैं 3 कप मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो आधा मैदा और आधा गेहूँ के आटे में भी इसे बना सकते हैं। टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लेंगे और 1 बड़ा चम्मच तेल ऐड करते हैं, जिससे कि पराठे अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो जिस तरह से हम पराठे या रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना, ठीक उसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक मीडियम सा डो तैयार करेंगे। तो देखिए, आटा यहाँ पर तैयार हो गया है। इसके सरफेस पर हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे, जिससे कि इस पर पपड़ी ना जमे, और इसे रेस्ट के लिए हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। और तब तक चलते हैं सेक बना लेते हैं। तो यहाँ पर सेक बनाने के लिए मैं 1/2 किलो कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ध्यान रखिए, आप कीमे को वॉश करने के बाद 1/2 से 1 घंटे के लिए छन्नी में रख दीजिए, ताकि इसका सारा ही पानी ड्रेन आउट हो जाए। कीमे में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 1/2 कीमा मैंने यहाँ पर ऐड किया है। इसमें मुट्ठी भर हम हरा धनिया ऐड करेंगे, थोड़े से पुदीने के पत्ते भी ऐड कर रहे हैं, 1 मीडियम साइज़ का प्याज इस तरह से रफली चॉप करके ये भी ऐड कर लेंगे, 2 से 3 हरी मिर्च ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए, 3 से 4 सूखी हुई लाल मिर्च ली है, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर ये सारे ही मसालों को हम कीमे के साथ ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, कुछ इस तरह से हमारा ये ग्रीन कीमा तैयार हो जाएगा। इसको हम निकाल लेंगे और बाकी के कीमे को हम सेकेंड बैच में ग्राइंड कर लेंगे। तो 1/2 कीमे को मैंने पहले ग्राइंड किया था, बाकी के कीमे को ऐड किया है। इसमें 1 नींबू का रस ऐड करेंगे और फिर सूखे मसाले। तो यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च लिए 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हमने काली मिर्चों का पाउडर और गरम मसाला लिया है। सारे ही मसालों को इसमें ऐड कर लेंगे और इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। तो हमने 2 बार करके कीमे को ग्राइंड किया है, तो ये जो सेकेंड टाइम में है ये रेड में हुआ है। दोनों ही मसालों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे, ताकि कीमा बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाए। तो देखिए, हमने कीमे को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे भी सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में मैं रख दूँगी। और तब तक हमारा आटा भी तैयार हो गया है। तो देखिए, ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसके मैं मीडियम साइज़ के पेड़े तैयार कर लूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये कुछ पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं पराठों के लिए। उसके बाद हम फटाफट से पराठे बेल लेंगे। तो चलिए इसे बेल लेते हैं। थोड़ा सा पहले इस पर सूखा मैदा लगा लेंगे और फिर रोल करते हुए इसे बेल लेना है, जिस तरह से हम रोटी या पराठा बेलते हैं। तो इसे बहुत ज़्यादा मोटा या पतला नहीं करना, मीडियम मैंने इस तरह से बेल लिया है। इसके सरफेस पर ऑयल लगा लेंगे। तो इस तरह से जब आप पराठा बनाएंगे ना, तो काफ़ी सॉफ्ट सा लेयर वाला और हल्का सा ये ऊपर से क्रिस्प बनेगा, जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा इस पर सूखा मैदा भी डाला है, जिससे कि इसके लेयर्स अच्छे से ओपन होते हैं। और फिर इसे रोल कर लेंगे। तो आप अगर लेयर वाला पराठा बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से आप बहुत आसानी से बना कर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं इस तरह के पराठे। तो देखिए, मैंने इसे रोल कर लिया है। इसके एंड को इस तरह से स्टिक कर देंगे और फिर रोल करना है। तो सेम इस तरह से आप ये स्टेप्स को फॉलो करके ये लेयर वाला पराठा बना सकते हैं, जो कि सेक के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर से एक बार सूखा मैदा डस्ट करेंगे और फिर इसे हल्के हाथों से हमने बेल लेना है। तो आप इस तरह के पहले पराठे बनाकर तैयार कर लीजिए और फिर आसानी से इसे असेंबल करके बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने मीडियम ये पराठे को बेल लिया है और फिर तवे को गर्म करने के लिए रख दिया है तब तक। और जैसे ही तवा गर्म हो जाता है, हम इस पराठे को इस पर सेक लेंगे। तो 1 मिनट हम एक साइड से सेकेंगे, फिर पलट लेंगे और फिर दूसरे साइड से भी 1 से 2 मिनट के लिए सेकेंगे। और जैसे ही इस पर हल्के से स्पॉट्स आ जाएंगे, हम दूसरे साइड से भी इसे पलट लेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे सरफेस पर और 1 से 2 बार करके हम इसे पलट पलट के सेक लेंगे, जिससे कि पराठे की ऊपर की लेयर हल्के से क्रिस्प हो जाती है, अंदर से सॉफ्ट। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं इस तरह के पराठे। आप कौरमे के साथ भी खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो देखिए, दोनों ही साइड पर मैंने थोड़ा थोड़ा सा तेल अप्लाई करके इसे 1 से 2 बार करके पलट लिया है और हमारे ये पराठे तैयार हो गए।
निकाल लेंगे। ठीक इसी तरह से मैं बाकी के भी सारे पराठे पहले बनाकर तैयार कर लूँगी। आप इसे बिना ऑयल अप्लाई किए सिर्फ ऐसे ही सेक कर 15 से 20 दिनों के लिए इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए हमारे पराठे तैयार हैं, तो चलिए अब से तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमारा ये मिक्सचर भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो अगर आपके पास जो सेक बनाने वाली बारबेक्यू वाली स्टिक्स होती है, आप चाहे तो उस पर बना लीजिए या फिर जो स्कीवर स्टिक्स आती है उस पर बना लीजिए। मैं इस तरह से इसे पेंसिल पर शेप देकर बना रही हूँ। तो देखिए हमारा बहुत ही परफेक्ट शेप और साइज़ में ये सेक बन के तैयार हो गया है। ठीक इसी तरह से सारे सेक पहले हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने पराठों के साइज़ के हिसाब से बड़े बड़े साइज़ में सेक बनाए। आप चाहे तो छोटे बड़े मीडियम जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। और आप इस स्टेज पे इसे चाहे तो डीप फ्रीज़र में स्टोर कर दीजिए, और इसे आप 8 से 10 दिन के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं एक बार ये फॉर्म हो जाए। मैं इसे अभी ही फ्राई करूँगी, तो बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है आपको पैन में। बहुत थोड़ा सा तेल डालेंगे और उसमें हम एक एक करके इस तरह से सेक को पलट पलट कर सेक लेंगे। इन सेक को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं लगती है, क्योंकि कीमे में ऑलरेडी थोड़ा सा फैट होता है तो ये अच्छे से पक जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे सेक तैयार हैं। तो चलिए बना लेते हैं इसकी एक क्विक सी चटनी, जिसके लिए हमें चाहिए हरा धनिया, मुट्ठी भर पुदीना, 1 से 2 हरी मिर्च, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से, चिली फ्लेक्स ऐड किया आधा चम्मच, और 2 चम्मच यहाँ पर मैंने पानी भी ऐड किया। और इसे बिल्कुल हम फाइन ग्राइंड कर लेंगे, चटनी बना लेंगे। नेक्स्ट 4 बड़े चम्मच भर के दही लिया है, दही को अच्छे से स्मूथ कर लीजिए। और ये सारी चटनी जो हमने ग्राइंड की थी ना, उसे हम दही में ऐड कर लेंगे। और फिर 2 बड़े चम्मच भर के यहाँ पर मेयोनीज में ऐड कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आपकी ये चटनी बनेगी, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप चाहें तो इस डिप को पराठे के साथ, पकौड़ों के साथ, कबाब के साथ, बोटी के साथ सर्व कीजिए, बहुत मज़ेदार लगती है। तो चलिए अब जाते हैं इसको असेंबल करने के प्रोसेस में। तो पराठे पर हम ये इस चटनी को अप्लाई कर लेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें हरी मिर्च की क्वांटिटी कम रखिए, अदरवाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अगर आप इसे बच्चों के लिए बनाएंगे तो हरी मिर्च स्किप करके बनाइए। सेक रख दिया है, इसमें थोड़ी सी प्याज हमने चॉप करी हुई ऐड की है। आप चाहें तो इसके साथ में पत्ता गोभी, शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्च भी ऊपर से ऐड कर देंगे, जो हमने चटनी बनाई थी ग्रीन चटनी, वो चटनी थोड़ी सी ऊपर से डाली है। और फिर इसे रोल कर देंगे, एक टूथपिक स्टिक के हेल्प से इसे टक कर दूंगी। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये सीक रोल बनके तैयार हो गया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टिल दैट टाइम बाय बाय एंड टेक केयर।